नहीं, जिस तरह बिहारी को अपमानित किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बिहारी हैं और बिहारी को ये कहा जाए कि आपके पास क्वालिटी नहीं है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है हम लोगों का कि आप ये किसी को नहीं कह सकते बिहार में। हम तो दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं, दुनिया को राह दिखाने वाला प्रदेश है बिहार। पंडित चाणक्य यहीं पैदा लिए, आर्यभट्ट यहीं रहे और शून्य पर भी चर्चा करने वाले यहीं लोग रहे। और बिहार को लोग गाली दे रहे हैं कि बिहार में गणितज्ञ नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है। ये हम तो दुनिया को पढ़ाते हैं। आप कोटा चले जाइए, बिहार के बच्चे वहाँ टीचर बनकर काम कर रहे हैं। दिल्ली चले जाइए, वहाँ भी बिहारी बच्चे आपको दिखाई देंगे। इसलिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण वाला बयान रहा, इसका घोर विरोध करता हूँ। देखिए, ये तानाशाह सरकार हो गई। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सारे हथियंडा अपना रहे हैं और ये गुंडागर्दी पर उतर गई सरकार। हम बिहार के बच्चों का अपमान करके बिहार में किस तरह की व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं? बिहार के बच्चों को सरकारी नौकरी देना होगा नीतीश कुमार जी? 10 लाख का घोषणा किया है और 10 लाख आपने बढ़ाया 20 लाख। हम सरकारी नौकरी के खिलाफ 13 मार्च को 10 लाख सरकारी नौकरी कब दे रहे हो, इसका पूरा खाका हमको चाहिए। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तानाशाह सरकार गुंडे की तरह व्यवहार कर रही है यह सरकार। नीतीश कुमार जी को क्या हो गया, बिहार की जनता जानना चाहती है। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।